हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको ये जैकेट बनाना सिखाऊंगी। देखिए, इसमें मैंने पैटर्न डाला है और इसकी जो चेस्ट है वो 36 है और जो इसकी लंबाई है वो 21 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ कि मैंने पैटर्न कैसे बनाया है। तो मैं सिर्फ आपको पहले पैटर्न बताऊंगी, फिर कैसे बनाया है, किस तरीके से बनाएंगी, ये सब मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। तो देखिए, इसके लिए मैंने क्रोशिया लिया है 3.50 mm का। तो जो 3.50 mm का क्रोशिया होता है वो 9 नंबर का क्रोशिया होता है, ठीक है। और यार्न ली है मैंने 4 ply है, लेकिन थोड़ी सी पतली यार्न है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम जो हम चेन्स बनाएंगे वो 3K मल्टीपल चेन्स बनाएंगे। तो जितनी भी आपको बनानी है, आपको क्या करना है पहले मैं बता देती हूँ आपको। स्वेटर हम देखिए किस तरीके से बनाएंगे। पहले हम पूरा अपना जो चेस्ट है राउंड में वो पूरा नाप लेंगे। तो देखिए, हमने ये पूरा नाप लिया, हमने पहले यहाँ से बनाएंगे, पूरा एक साथ बनाएंगे, यहाँ तक हमारे आर्म होल्डिंग होंगे वहाँ तक बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, पीछे का हिस्सा अलग बनाएंगे और ये जो फ्रंट के हिस्से हैं वो दोनों अलग अलग बनाएंगे। आर्म होल तक हमें साथ में बनाना है, फिर हम आर्म होल के लिए स्पेस छोड़ देंगे जितना हमें छोड़ना है। उसके बाद हम पीछे का हिस्सा अलग बनाएंगे और आगे के दोनों फ्रंट अलग बनाएंगे। तो ये मैं आपको इस तरीके से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोगों को जब मैं वीडियो वैसी बड़ी चीज़ें बनाती हूँ तो उनको समझ में नहीं आता कि मैंने कैसे बनाया है, कैसे जोड़ा है। तो जब हम ये तीनों हिस्से बना लेंगे, फिर इनको हम आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे और उसके बाद हम आर्म बनाएंगे दोनों, ठीक है। यहाँ से हम जोड़ेंगे, फिर आर्म बनाएंगे। तो आपको जितना भी आपका चेस्ट है पूरा राउंड में नाप लेंगे और आपको चेन्स लेनी है 3K मल्टीपल। तो जितनी भी आ रही हूँ आप चेन्स बना लेंगे राउंड में, ठीक है, पूरा चेस्ट। तो मैं थोड़ी सी बना लेती हूँ, मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ सिर्फ। तो ये देखिए, मैंने चेन्स बना ली है। तो ये चेन्स बनाई है मैंने 3K मल्टीप्लाई + 1 चेन बनाई है। तो ये 31 चेन्स हैं। तो आप जितने भी बनाएं, आप पूरा चेस्ट आपके बना लीजिए 3K मल्टीप्लाई और उसमें +1 कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम चेन 1 बनाएंगे और देखिए फर्स्ट वाला स्टिच छोड़ेंगे और सेकंड वाले से 1 हर एक स्टिच में सिंगल स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरीके से सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो लास्ट तक में फर्स्ट रो में सिंगल स्टिच की बनानी है। तो ये हमारा बॉर्डर है, तो पहले ये रो बना लेती हूँ मैं। तो देखिए, मैंने फर्स्ट रो को पूरा बना लिया है। अब हम सेकेंड रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और सेकेंड रो भी हम सिंगल स्टिच की बनाएंगे। तो हर एक स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाना है। तो इसको मैं बना लेती हूँ और आप वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि मैंने कौन सा साइज़ बनाया है, कितनी चेन्स लिए हैं और आप अगर छोटा बड़ा बनाना चाहें तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस रो को मैं पहले पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हमने लास्ट तक बना लिया और देखिए आपको ध्यान रखना है, ये लास्ट वाला जो स्टिच है इसमें भी हमें स्टिच बनाना है, नहीं तो हमारा एक स्टिच कम हो जाएगा। अब पैटर्न की फर्स्ट रो बनाएंगे हम। तो 2 रो का पैटर्न है और बहुत इजी पैटर्न है। तो देखिए क्या करेंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 इस तरफ पलट लेंगे, यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे, 1 2 और जो थर्ड वाला है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। और देखिए यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे, 1 2 और थर्ड वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें बनाना है, 2 स्टिच छोड़ने हैं और थर्ड वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा पैटर्न की फर्स्ट रो है। तो इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर हम सेकंड वाली रो बनाएंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट रो हमने पूरी बना ली है। अब ये लास्ट में देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से 1 2 स्टिच छोड़ेंगे और जो थर्ड वाला है यहाँ पर हमने जो चैन 1 बनाई थी इसमें 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। वन डबल क्रोशिया से शुरू किया था हमने चैन 3 से, 1 डबल क्रोशिया में लास्ट में ख़त्म हुआ है। वापस से चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 इस तरफ पलटेंगे और देखिए जो बीच वाला स्टिच है हमें 3 डबल क्रोशिया बनाए, बीच वाले स्टिच पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे और वापस इसी में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, फिर
ये दूसरा सेट है 3 डबल क्रोशिया का, इसके बीच वाले सेंटर वाले स्टिच पे 1 डबल क्रोशिया, चैन 2 और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेकंड रो हमारी इस तरीके से बनेगी। तो ये रो और मैं बना लेती हूँ, फिर आपको एक और रो बताऊँगी, फिर हमें वैसे ही बनाना है। तो ये देखिए सेकंड वाली रो भी मैंने लास्ट तक बना ली। अब देखिए लास्ट में ये चैन 3 है, इस पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, थर्ड वाली स्टिच पे 1 डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए हम वापस से यही रो रिपीट करेंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और इस तरफ आ जाएंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये 3। हर एक जो चैन 2 का स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ये देखिए इस तरीके से, तो ये हम इस रो को बना लेंगे, फिर वापस से यही वाली रो रिपीट करेंगे, फिर ये रो बनाएंगे, फिर ये रो रिपीट करेंगे। इसी तरीके से हम इसी जो ये बनाना है पैटर्न, तो इसको मैं बना लूँगी थोड़ा अंडर आर्म्स तक, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे हमें कैसे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नीचे वाला हिस्सा बना लिया है। मैंने इसमें टोटल 166 स्टिचेस लिए थे, तो इसकी जो चेस्ट हो रही है वो 36 हो रही है, तो 36 वाले को ये आराम से आ जाएगा। और अगर आपको इससे जस्ट छोटा बनाना है तो आप 3 mm का क्रोशिया ले लीजिए, और इससे जस्ट बड़ा बनाना है तो आप 4 mm का क्रोशिया ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी जो सेम इसी से बस क्रोशिया चेंज करके आप छोटा और बड़ा नाप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने 29 रोज बनाई हैं टोटल, ये सिंगल स्टिच की रो अलग से है, उसके बाद मैंने 29 रोज बनाई हैं। अब देखिए हम यहाँ से अंडर आर्म्स के लिए थोड़ी सी जगह यहाँ छोड़ेंगे, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ेंगे, मैं आपको अब बताऊंगी आगे। फिर हम क्या करेंगे, फ्रंट का हिस्सा अलग बनाएंगे और दोनों फ्रंट का अलग अलग बनाएंगे और बैक का अलग से बनाएंगे। तो पहले मैं ये सब काउंटिंग करके फिर मैंने कितने लिए हैं ये मैं आपको बता दूंगी और कितना हम आर्म होल के लिए छोड़ेंगे। तो देखिए मैंने इसकी काउंटिंग की, और देखिए जो ये 3 डबल क्रोशी की सेट है, मैंने 12 तो मैंने लिए हैं फ्रंट में, दोनों फ्रंट में 12 और 12। यहाँ पे हमने काउंट किए हैं 1, ये देखिए यहाँ पे हमने ये 12th वाले पे मार्क किया है, और ये 1 2 3 यहाँ छोड़े हैं, और जो बैक में है वो ये वाले जो 3 सेट है वो आ रहे हैं 23। तो 12 फ्रंट में 3 हमने आर्म होल पे छोड़े हैं दोनों तरफ, और 23 पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो देखिए हम पहले फ्रंट बनाएंगे, बैक में हमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको आगे बताऊंगी। फ्रंट में देखिए हमने पहले तो हम यहाँ से बनाएंगे, पहले हम आर्म होल के लिए, आर्म होल का स्पेस हमारा यहीं से छूटेगा, हम आर्म होल में कुछ करेंगे नहीं, बस हमारा आर्म होल यहाँ से होगा, फिर हम थोड़ा जब बना लेंगे उसके बाद हम इसमें गले का शेप देंगे। तो गले का शेप किस तरीके से देना है ये बता दूंगी आपको। तो देखिए पहले तो हमने ये छोड़ दिए हैं, इसके बाद से हमने रो बनानी है, 5 रो बनानी है, यहाँ तक 5 रो बनेंगी। तो पहले मैं ये बता देती हूँ आपको किस तरीके से बनेगी। पहले हमने चैन 3 बनाई है, और ये जो बीच वाला स्टिच है इसमें हम बनाएंगे वी स्टिच, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अपने आर्म होल आपको कितने चाहिए ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, कितने लंबे आपको कहाँ तक चाहिए। ठीक है, और ये देखिए हर बीच वाले स्टिच में हम 1 डबल क्रोशिया, चैन 2 और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जहाँ तक हमने निशान लगाया है 12th वाले स्टिच तक, मैं बना लेती हूँ फिर आपको आगे बताऊँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा आर्म होल है। तो ये जो 12th वाला स्टिच है इसमें मैंने देखिए यहाँ वी स्टिच बना लिया। अब देखिए ये जो बीच के हमने 3 छोड़े थे, तो ये जो ये बीच वाला स्टिच है इस पर हम लास्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले स्टिच पे। तो अगर आप कोई बड़ा साइज भी बना रहे हैं तो आर्म होल इतना काफ़ी हो जाएगा आपको। तो देखिए हमने यहाँ पे आएंगे जब इस पर वी स्टिच बनाएंगे, सॉरी वी स्टिच नहीं, लास्ट जब हम बैक पार्ट बनाएंगे तो इस वाले स्टिच पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी ये रो यहाँ तक बनेगी और फिर यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो हो गई, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और इस तरफ पलट लेंगे, वापस आ रहे हैं हम इसको, क्योंकि हमने ये आर्म होल छोड़ दिए हैं, बैक पार्ट हम अलग से बनाएंगे। तो ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, 1 2
और ये थ्री। तो यहाँ तक हर एक स्टिच में थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो चैन थ्री है इस पर वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो और फिर जब वापस चैन थ्री से स्टार्ट करेंगे और यहाँ जैसे हमने बनाया था इस रो में, ये हमारा वन डबल क्रोशिया इस वाले स्टिच पे वन डबल क्रोशिया बनेंगे लास्ट में। तो इसी तरीके से हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ फाइव रो बना लूँगी मैं, उसके बाद हम गले का स्पेस देंगे। तो पहले मैं ये वाली रो बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6 वाली रो है, ये हम यहाँ, ये हमारा मुड्डे हैं और ये हमारा गले वाला हिस्सा है इस तरफ। तो मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बनाए हैं। अब देखिए हमने यहाँ से छोड़े हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ से छोड़े हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे कि हमने ये जो 6 वाला यहाँ से 6 और ये 7th वाला, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। 7th वाला जो है इसमें हम सिर्फ 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, 1 और 2, यहाँ हमने 3 नहीं बनाए हैं। अब देखिए ये जो 8th वाला है, तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ की काउंटिंग रख सकते हैं जो आपको करने हों। यहाँ से ये 7th वाले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ से 8th वाला है इसमें हम एक ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। ट्रिपल क्रोशिया हम धागे को 2 बार लपेटते हैं, ये देखिए इस तरीके से चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे और देखिए यहाँ पे एक वी स्टिच बना देंगे ये सेकंड वाले स्टिच पे, यहाँ पे चैन 1 डबल क्रोशिया बनाया, चैन 2 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया एक और बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे वापस वी स्टिच बन गया और इसका शेप देखिए कूल आ गया है। अभी एक रूप में हो रहा, हम स्टिच थोड़ा सा घटाएंगे। तो अब देखिए फिर से अब हम ये जो बीच वाले स्टिच है वैसे का वैसा ही बनाना है जैसे हम बना रहे थे। तो यहाँ से बना के वापस हम इस तरफ आ जाते हैं। तो ये मैं रो बना लेती हूँ वी स्टिच वाली और ये 3 डबल क्रोशिया वाली रो यहाँ बना के वापस आते हैं। तो ये देखिए ये रो बना के मैं यहाँ से हम गए थे वापस यहाँ गए, तो ये 1 2 3 4 5 बनाए हैं और ये जो 6 वाला है इस पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 नहीं बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था, 1 और ये 2। अब देखिए ये जो स्टिच है यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे हम एक ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए ये फर्स्ट वाला स्टिच है यहाँ पे, तो ये देखिए हमारे गले का राउंड शेप आ गया है बिल्कुल। जब हम इस पे सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे तो ये बिल्कुल राउंड दिखेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये थोड़ा सा हमने ये यहाँ से छोड़ के इस तरीके से बनाया है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, चैन 3 बनाएंगे और जैसे हमने इस पे वी स्टिच बनाया था 1 2 3 और इस तरफ पलट लेंगे और बस अब हमें यही रो रिपीट करनी है। ये वी स्टिच, इस पे वी स्टिच बनाएंगे इस वाले स्टिच पे, यहाँ से लेके हम यहाँ तक बनाएंगे और वापस यहाँ तक, ये जो लास्ट वाली चैन 3 है इस पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी करना है। तो देखिए हो सकता है कि आप जब दूसरी तरफ बनाएं तो आपकी ये वाली रो, आप ये जो आप 3 डबल क्रोशिया की रो बना रहे हैं वो आपको गले पे से इस तरफ से बनाने की आए, तो आप क्या कीजिएगा कि आप धागा अगर आप इस तरफ से लगा रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है कि आप स्टिच इस तरफ, ये वाली रो इस तरफ से आ रही है, तो आप धागा इस तरफ से लगा लीजिएगा। अगर इस तरफ से लगाने में ये वाली रो इस तरफ से आ रही है तो इस तरफ लगा लीजिएगा, इस हिसाब से ये आपकी रो है वो सही आने लगेगी, क्योंकि हमें ये वाली रो आर्म होल की तरफ से चाहिए। ठीक है, तो ये इसको हम इस तरीके से ही बना लेंगे लास्ट तक जितने हम ऊँचाई चाहिए इसकी। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको आगे बताऊँगी। तो ये देखिए मैंने ये दोनों फ्रंट बना लिए हैं, ये देखिए ये पहला और ये दूसरा। अब हम बैग बनाएंगे। देखिए बैग के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम धागा लगाएंगे ये वाले स्पेस से, ठीक है, बीच वाले स्टिच से, सॉरी बीच वाले स्टिच से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बीच वाले स्टिच में लास्ट 1 डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पे। तो हम ये इसके बीच वाले स्टिच से धागा लगाएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे 1 डबल क्रोशिया से। तो ये हमारा अब फर्स्ट आर्म होल है, ये
यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और दूसरे आर्म होल तक बनाएंगे। बीच वाले हमने स्टिच छोड़े हुए हैं, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया। चैन थ्री बनाएंगे, 1 2 3। मैंने थोड़ा, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। अब देखिए, ये हमारा चैन वन हो गया, 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हम हर बीच वाले स्टिच पे वी स्टिच बनाएंगे, ये हर एक बीच वाले स्टिच पे वी स्टिच बनाएंगे। तो मैं दूसरी साइड तक बना लेती हूँ, फिर आपको वहाँ पे बता दूँगी किस तरीके से करना है। फिर हमें सेम करना है, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं इसमें। तो देखिए, ये हम दूसरी तरफ आ गए हैं, ये हमारा दूसरा आर्म होल है। ये हमने 3 मार्क किए थे, इसके बीच वाले पे हम 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर चैन 3 बनाएंगे, और फिर ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बस हम यही रो रिपीट करेंगे जब तक, जितने हमने ये जो गला बनाया है, जितनी रो हमने इसमें बनाई है इतनी ही रो हमें बेक पार्ट में बनानी है। तो ये पहले पीछे वाला पार्ट में बना लूँगी, फिर उसके बाद हम इनको जोड़ेंगे और इसकी हाफ स्लीव्स वाला बनाएंगे हम इसको। तो ये देखिए, हमने ये दोनों फ्रंट बन गए, ये फर्स्ट फ्रंट, ये हमारा सेकंड फ्रंट और ये बैक है। तो ये देखिए, मैंने ये फ्रंट साइड से रखा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ रखेंगे और अंदर की तरफ से दोनों को बराबर पे रख के सिल देंगे, इस तरीके से रखेंगे बराबर में, और ऊपर की तरफ से यहाँ से हम इन दोनों को सिल देंगे। तो इतना मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे हम यहाँ पे सामने की तरफ बटन पट्टी बनाएंगे और इसके आर्म बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने ये दोनों पार्ट सिल लिए हैं, ये हमारे पीछे और आगे के हिस्से हमने दोनों तरफ से सिल दिए हैं, दोनों हो गए हैं। अब देखिए, हम सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे। तो ये देखिए कि एक तरफ से हम शुरू करेंगे, कैमरे में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है, यहाँ से शुरू करेंगे और पूरा यहाँ से बनाएंगे, और ये जो गला है गले पे बनाएंगे, पीछे गले पे होते हुए हम दूसरे कॉर्नर पे आ जाएंगे, ये यहाँ तक, और फिर दूसरे कॉर्नर पे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर वापस यहाँ से रो बनाएंगे, फिर राउंड में जाएंगे और वापस दूसरे कॉर्नर पे आ जाएंगे, इस वाले कॉर्नर पे, और फिर हम वापस यहाँ से रो बनाएंगे और वापस दूसरे कॉर्नर पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम 3 सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे, और उसके साथ में हम इसमें बटन होल भी बनाते जाएंगे, ठीक है। तो पहली रो में हम सिर्फ सिंगल स्टिच बनाएंगे, पहली रो में हम कुछ नहीं करेंगे, सेकंड और थर्ड वाली रो में हम बटन होल भी बनाएंगे साथ के साथ। तो देखिए, यहाँ से हम स्टिच धागा लगाएंगे, फर्स्ट कॉर्नर है, यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये हमारा दूसरा हिस्सा है, ये फर्स्ट वाला हिस्सा, यहाँ से हम धागा, आप गांठ बांध के लगाइएगा, चैन 1 बनाएंगे, और देखिए यहाँ से जस्ट बिल्कुल यहाँ से लगाना है हमें, चैन 1 बनाएंगे और यहाँ से हम सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे। तो रो आपको ऐसे बनानी है कि ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए और ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। तो हमारी बटन पट्टी बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, जैसी हमारी यहाँ पे आई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से सिंगल स्टिच, जितने स्टिच हैं उस हिसाब से, देखिए यहाँ पे जैसे हमारे 3 हैं तो 3 बना लेंगे, फिर 1 यहाँ पे बना लेंगे, फिर 2 यहाँ बन जाएंगे, फिर 1 यहाँ बन जाएगा। तो इस हिसाब से बिल्कुल जितने स्टिच होने चाहिए उतने ही स्टिच बनाएंगे। तो ये मैं यहाँ से लेके गले तक बना लेती हूँ, गले पे आपको बताती हूँ गले पे किस तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पहला फ्रंट हमारा ये बना लिया है, अब ये हमारा गला है, ये देखिए ये राउंड में। तो चैन यहाँ तक हमने सिंगल स्टिच बना लिया, हर एक स्टिच पे चैन 1 बनाएंगे और यहाँ से हम फिर से सिंगल स्टिच बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ पे भी हमें उसी तरीके से सिंगल स्टिच बनाने हैं, स्टिच ज़्यादा नहीं करने हैं, देखिए हर एक स्टिच के हिसाब से एक एक स्टिच बनाएंगे। तो और हमें राउंड में बस जैसा इसका शेप है इसी शेप के हिसाब से हमें स्टिच बनाते जाना है। यहाँ पे एक स्टिच बनाएंगे और फिर हम यहाँ पीछे के बनाएंगे, ये पीछे वाले स्टिच, फिर जो दूसरी साइड है यहाँ पे हमने सिला है, यहाँ 1-2 स्टिच आ जाएंगे और फिर यहाँ से हम बनाएंगे
तो यहाँ तक हम बना लेंगे, यहाँ तक। फिर देखिए चैन वन बनाएंगे और फिर ये वाली स्टिच बनाना शुरू करेंगे और यहाँ तक बना लेंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ पूरा, फिर हम यहाँ से वापस बनाएंगे, तब मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए सिंगल स्टिच की रो बना के हम दूसरी तरफ आ गए। फिर यहाँ से हम वापस से बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे, इस तरीके से पलट के। फिर यहाँ पे हम अब हर एक सिंगल स्टिच के ऊपर एक एक स्टिच बनाते जाएंगे। तो अब फर्स्ट रो में थोड़ी दिक्कत होगी, फिर नहीं होगी आपको। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और दूसरा जो गला है, दूसरी तरफ जो गले का स्टार्ट है, देखिए यहाँ पे ये जो गला है, पहला ये है यहाँ पे कोना और दूसरा कोना यहाँ है। तो यहाँ तक हम बना लेंगे, फिर हम बटन होल के लिए स्पेस बनाएंगे इसमें। तो यहाँ से तो हम पूरा बना के और दूसरी तरफ गले के कोने पे आ जाएंगे। फर्स्ट कॉर्नर ये है, सेकंड कॉर्नर यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ से हम बटन होल के लिए स्पेस बनाएंगे। तो पहले मैं ये बना के इधर आ जाती हूँ। तो ये देखिए हम गले की दूसरी तरफ आ गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हम बटन होल बनाएंगे। तो देखिए बटन होल के लिए आपको क्या करना है, जैसे हमें छोटा ही बटन है हमारा, तो देखिए क्या करेंगे, दो चैन्स बनाएंगे, वन टू, और यहाँ से दो स्टिच छोड़ेंगे और थर्ड वाले में सिंगल स्टिच बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बटन होल बटन के लिए स्पेस हो गया। फिर जहाँ पे भी हमें मार्क कर लें बराबर दूरी पे, और जहाँ पे भी हमें बटन लगाने हैं, दो चैन्स बनाएंगे और दो स्टिच का गैप देंगे, दो सिंगल स्टिच का, और थर्ड वाले में हम उसको सिंगल स्टिच बना देंगे। तो इसी तरीके से ये हमारे बटन के लिए स्पेस हो जाएगा। और इसके बाद हम देखिए यहाँ से बना के मैं नीचे तक जाऊँगी, और जब नीचे से वापस आएंगे तो हम यहाँ पे एक रो और बनाएंगे। तो वहाँ पे मुझे जो हम बटन होल होंगे उनके ऊपर किस तरीके से स्टिच बनाना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। फिर उसके बाद हमें यही लास्ट रो है, तो लास्ट तक वैसे ही बनानी है। तो ये देखिए मैंने इसको लास्ट तक बना लिया है। यहाँ पे हमने इस रो में काज बनाए हैं। अब देखिए चैन वन बनाएंगे और वापस पलट लेंगे इस तरह। फिर यहाँ से हम वापस स्टिच बनाना शुरू करेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में ही स्टिच बनाना है हमें, ये टू। अब देखिए जहाँ पे हमारे बटन होल बनाए हैं हमने, वहाँ पे हमें क्या करना है बताती हूँ मैं, जस्ट होने भी वाला है। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारे बटन होल हैं। तो देखिए हमने दो चैन का गैप दिया है बटन होल में। अगर आप थ्री चैन का दे रहे हैं तो आप देखिए क्या करेंगे, इस पर थ्री स्टिच बनाएंगे। अगर आपने दो चैन का दिया है तो आप दो सिंगल स्टिच बना दीजिए। तो ये हमारे बटन होल हो गए। और बस इसी तरीके से बस एक रो है जहाँ पे बटन होल पे हमें इस तरीके से स्पेस देना है, और फिर लास्ट तक हमें हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाना है। अगर आप चाहें कि आपको बटन पट्टी और चौड़ी चाहिए तो आप इसके ऊपर एक सिंगल स्टिच की रो और बना सकते हैं। तो इसको मैं पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये आगे की ये पूरी पट्टी पे थ्री रो बना ली है मैंने, और एक रो मैं आपको आर्म में बनाऊंगी। देखिए ये वाली मैंने बनाई है, तो आप चाहें तो ये वाली रो भी आप आगे की तरफ पूरे एक तरफ से लेके पूरा हम बटन होल से लेके बटन जो होल बनाए हैं हमने वहाँ से ये इस पे पूरी पे एक रो आप ये वाली बना सकते हैं जो मैं आपको आर्म पे बताऊंगी। मैंने ये आर स्लीव्स बना ली है, स्लीव्स हमने छोटी बनाई है। आप चाहें तो थ्री फोर्थ बना सकते हैं, चाहे तो फुल बना सकते हैं। तो हम एक स्लीव्स मैंने बना ली है, दूसरी बनाएंगे हम। तो देखिए यहाँ से हम बीच में से बीच वाला स्टिच है हमारा, ये देखिए यहाँ हमने ये छोड़े, ये वन टू और ये थ्री, और यहाँ से भी वन टू और थ्री, ये वाला स्टिच है। यहाँ से हम धागा लगाएंगे इसमें। बीच वाले स्टिच से चैन वन बनाएंगे और फर्स्ट रो हम बनाएंगे सिंगल स्टिच की। तो देखिए यहाँ से हम हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ से हमने शुरू किया है, वापस यहीं पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे ही स्टिच बनाने हैं हमें। देखिए इन स्पेस में हम दो दो सिंगल स्टिच बना सकते हैं, ये वाले जो स्पेस है, या चाहे तो आप एक यहाँ पे बना लिए। बस ध्यान रखना आपको खींचना नहीं चाहिए, और जब आप एक आर्म में स्टिच बना लें तो आप दूसरी आर्म के भी उतने ही स्टिच बनाएं जितनी एक में बनाए हैं, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए,
ठीक है, तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ सिंगल स्टिच से बना के, हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो ये देखिए सिंगल स्टिच की रो बना के हम वापस यहाँ पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने चैन वन बनाई थी, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट लेंगे। तो ये देखिए जो फर्स्ट रो हम बनाएंगे वी स्टिच वाली, तो वी स्टिच वाली रो तो हम अंदर की तरफ से बनाएंगे और थ्री डबल क्रोशी की रो हम बाहर की तरफ से बनाएंगे। तो पहले यहाँ से बना के इस तरफ जाएंगे और फिर वापस बना के इस तरफ से वापस यहाँ आएंगे। तो हम पहले हम वी स्टिच की रो बना रहे हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे चैन वन बनाई है, यहाँ से 1 2 3 थर्ड वाले स्टिच में वी स्टिच बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन टू बनाएंगे, यहाँ पे हमने चैन वन ही बनाई है, 3 नहीं बनाई है, और इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे और थर्ड वाले स्टिच में वी स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 1 डबल क्रोशिया, चैन टू और 1 डबल क्रोशिया। तो ये हम देखिए अंदर की तरफ से बना रहे हैं इस रो को। ठीक है, तो इसको लास्ट तक बना के मैं यहाँ आ जाती हूँ, फिर हम अगली रो बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये लास्ट तक बना लिया और यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 स्टिच बचे हैं। तो यहाँ पे हम एक स्टिच छोड़ के एक में वी स्टिच और बना देंगे, 2 3 थर्ड वाले में बना देंगे और यहाँ पे हमारे 2 की जगह 1 स्टिच रह जाएगा। तो आप एक आध स्टिच कम ज़्यादा हो जाए तो आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने जो चैन वन बनाई थी, ये देखिए यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच अटैच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब हम बनाएंगे चैन थ्री, 1 2 3 और इस तरफ पलट जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने इस वाली रो में 1 स्टिच कम करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। और आगे वाली रो में अब आगे वाली जो जगह है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ से बना के यहाँ आ जाएंगे हम दूसरी तरफ, यहाँ पे भी 1 स्टिच हमें कम करना है। तो पहले मैं बना के इस तरफ आ जाती हूँ। तो देखिए हम यहाँ से बना के यहाँ आ गए हैं वापस राउंड घूम के। तो यहाँ पे हमने 1 स्टिच घटाया था, तो यहाँ पे भी हम 3 के बजाय 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। और यहाँ पे जो हमने चैन 3 बनाई थी, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब हर बार चैन 3 बनानी है और वापस जिस तरफ से आए थे उसी तरफ पलट जाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पे और स्टिच घटाएंगे। तो देखिए हमने ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे इनको स्किप कर देंगे और ये सेकंड वाला 3 डबल क्रोशिया का सेट है, इसमें हम सीधा वी स्टिच बनाएंगे। तो देखिए ये हम छोटी आर्म स्लीव्स बना रहे हैं, इसलिए इसमें मैंने 2 ही रो में स्टिच घटाए। अगर आप लॉन्ग बनाते हैं तो देखिए आपको किस तरीके से स्टिच घटाने हैं। पहले आप स्टार्टिंग में 2 रो में स्टिच घटा दीजिए जैसे मैंने घटाए हैं, फिर आप कुछ रो में 1 रो छोड़ के 1 में स्टिच घटाएंगे। आप मतलब 2 रो में 1 रो इसमें बनाए स्टिच घटाएंगे, 1 में नहीं घटाएंगे, फिर 1 में घटाएंगे, 1 में नहीं घटाएंगे, फिर उसके बाद आपको 2 रो में स्टिच, 2 रो के बाद 1 रो में स्टिच घटाएंगे। इस तरीके से जब आप घटाएंगे स्टिच को तो आपकी जो आर्म है वो बिल्कुल स्लैंट आएगी, अच्छा सा शेप आएगा उसका। अगर आपने एक साथ स्टिच घटा दिया फिर एकदम से बना घटाना बंद कर दिया तो स्टिच जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा, पहले तो स्ट्रेट जाएगा और फिर वापस नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस रो को भी मैं बना के यहाँ आ जाती हूँ वापस। तो यहाँ पे भी हमें स्टिच घटाने हैं, यहाँ पे घटाए हैं तो यहाँ पे भी घटाने हैं। तो देखिए मैंने ये यहाँ तक बना लिए। अब ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाया था इसको स्किप कर देंगे और यहाँ पे जो चैन 3 बनाई थी हमने उसमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा स्पेस दिखेगा लेकिन इतना होगा ही सही इसमें। अब चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 इस तरफ पलट जाएंगे। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना, अब स्टिच घटाने नहीं हैं। जब 3 डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे तो हम फ्रंट साइड से बनाएंगे, यहाँ आएंगे तो यहाँ से हम वापस पलटेंगे, 3 चेंस बनाएंगे, पहले इसमें अटैच करेंगे फिर 3 चेंस बनाएंगे और वी स्टिच वाली रो बनाएंगे इस तरफ से इस तरफ। तो पहले मैं कुछ रो बना लेती हूँ, फिर हमें सिंगल स्टिच की रो बनानी है और इसमें लास्ट में हम थोड़ा सा पैटर्न बनाएंगे। तो पहले मैं ये आर्म स्लीव्स की लंबाई पूरी कर लेती हूँ।
तो ये देखिए मैंने ये आर्म की लंबाई पूरी कर ली है, और देखिए मैंने इसमें ये जो पैटर्न है वो 24 है, तो दूसरी जो स्लीव्स है उसमें भी मैंने 24 ही बनाए हैं। तो इनकी आप काउंटिंग रखिएगा, स्टिच थोड़े से कम ज़्यादा हो जाए तो आप एडजस्ट कर लीजिए, तो ये सेम पैटर्न आएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये रो ख़त्म की है 3 डबल क्रोशिया वाली रो पे, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे 12 रो बनाई हैं एस। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर लिया। यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। अब देखिए हम सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे। तो सिंगल स्टिच की रो बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ये रो बाहर से बनानी है, इस तरफ से नहीं बनानी है। अंदर से बनाएंगे तो क्लियर नहीं आएगा और ये पैटर्न इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ध्यान रखेंगे हमें बाहर की तरफ से बनानी है। तो हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, फिर चैन वन बनाएंगे और फिर यहाँ से वापस बनाएंगे। तो 3 रो बनानी है हमें, चैन वन बनाएंगे और देखिए यहीं से सिंगल स्टिच बनाना शुरू करेंगे, और हर स्टिच में हमें सिंगल स्टिच बनाना है। ये रो मैं बना के यहाँ तक आ जाती हूँ, फिर आपको सेकंड रो एक बार और बता दूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया था और वापस हम यहाँ आ गए। अब ये जो चैन वन बनाई थी हमने यहाँ पे, इसमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इसको, फिर चैन वन बनाएंगे और फिर देखिए यहीं से सिंगल स्टिच बनाना शुरू करेंगे फर्स्ट वाले स्टिच से ही। तो यहाँ से स्टिच बनाएंगे, फिर वापस आएंगे, यहाँ स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, चैन वन बनाएंगे और फिर सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 रो ही बनाई हैं, अगर आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो पहले मैं 2 रो और बना लेती हूँ, फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले मैं बना के आती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये 3 रोज बना ली हैं इसमें। अब देखिए हमें क्या करना है, चैन वन बनाएंगे और यहीं पर एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, चैन टू बनाएंगे, 1 2, और ये जो हमने सिंगल स्टिच बनाया है यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच बना देंगे और 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब ये 1 1 और ये 2। अब ये जो सेकंड वाला बनाया इस पर बनाएंगे चैन 2 1 2, और देखिए यहाँ पे हम उसको वापस से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरीके से। फिर 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1 और ये 2, और सेकंड वाले पे चैन 2 बनाएंगे, 1 2, और यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। जब हम इस तरीके से बनाएंगे तो हमारा ये पैटर्न देखिए कंगूरे टाइप बन जाएगा। तो आप चाहें तो इसको आप गले पे और फ्रंट में बना सकते हैं। तो इसको मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि बनकर कैसा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जैकेट पूरी हो गई है, और ये देखिए ये इसका पैटर्न है, साइड में आ रहा है। तो आप चाहें तो इसको गले पे और सामने की तरफ पूरा बना सकते हैं। तो जो हमने गले की पट्टी बनाई थी, फ्रंट की जो पट्टी बनाई थी, तो देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से लेके राउंड पूरे गले पे लेके, फिर हम दूसरी साइड आए थे, फिर वापस यहाँ से बनाया हमने, और फिर वापस राउंड करके फिर यहाँ आए, और फिर यहाँ से बनाया और वापस राउंड करके हम यहाँ आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।